हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक ऐसे राजा को देखेंगे जो कि अपने हथियार के ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान देता है। उसके पास बहुत सारी रानियां हैं और वो हर दिन एक नई नई रानी के साथ इंटीमेट होता है। जब उसके कमजोर बेटी की शादी होती है तब इस राजा का बेटा अपनी बीवी के साथ कुछ भी नहीं कर पाता है। ये देखकर राजा बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो अपने बेटे को कमरे से निकालकर खुद ही इस कमरे में जाता है और इसके बाद क्या होता है ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एक ठरकी राजा को देखते हैं जो कि अपने शरीर के साथ साथ अपने हथियार को भी फिट रखने के लिए बहुत तरह के कसरत किया करता था, क्योंकि इस राजा को घपाघप करना बहुत पसंद था, इसलिए वो अपने हथियार का काफी अच्छे से ध्यान रखता था। राजा अपने हथियार को और भी मजबूत करने के लिए वो उस पर कई तरबूजे बांधकर सीढ़ियों पर चढ़ता है। इसके बाद वो अपने हथियार पर रस्सा बांधकर उसे एक सांड से खिंचवाता है। वो अपने हकीम से कई तरह के काढ़े भी बनवाता है। इधर जब राजा महल में आता है तब हम लोग ये देखते हैं राजा ने अपने लिए बहुत सारी रानियां रखी हुई हैं जिनके साथ वो घपाघप करता था। यहाँ हम लोग देखते हैं राजा का एक बेटा और बेटी है। बेटा का नाम तूफान था जो कि देखने में काफी कमजोर सा लग रहा था, लेकिन उसके खूबसूरत बेटी के पास उसके सारे गुण थे। वो इंटीमेट होने के लिए एक पार्टनर ढूंढ रही होती है। एक दिन वो अपने पिता से ये कहती है कि वो पढ़ना चाहती है। राजा जैसे ही अपनी बेटी की इन बातों को सुनता है वो उसे बहुत डांटता है, क्योंकि राजकुमारी घर के बाहर रहकर पढ़ना चाहती थी, इसलिए राजा उसे मना कर रहा होता है। क्योंकि राजा को डर था अगर कोई मर्द उसके खूबसूरत बेटी को देख लेगा तब वो आदमी राजकुमारी को पटाकर घपाघप भी कर सकता है। अगले दिन हम लोग राजकुमारी को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ पतंग उड़ा रही होती है। तभी यहाँ से चैंग नाम का एक लड़का गुजर रहा होता है। राजकुमारी अपने भाई के साथ जब खेल रही होती है तभी चैंग की टक्कर उनके साथ हो जाती है। ये लोग यहीं पर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन तभी इनकी नज़र एक प्रेमी जोड़े पर पड़ती है। वो लोग यहाँ पर घपाघप कर रहे होते हैं। इधर राजा अपने सैनिकों को यह हुक्म देता है कि वो सभी लोग राजकुमारी के पास जाएं, क्योंकि राजकुमारी ने अपने यहाँ आने की बात किसी को भी नहीं बताई थी। राजा को जब बहुत गुस्से में उसकी एक बीवी देखती है तब वो उसके पास आती है और वो यहाँ आकर राजा से कहती है, महाराज आप ज्यादा गुस्सा मत होइए, चलिए मैं आपके साथ घपाघप करके आपका गुस्सा शांत करती हूँ। जब राजा उसकी बातों को सुनता है तब राजा वहीं पर उसके साथ घपाघप कार्यक्रम चालू कर देता है। जब राजा अपने कार्यक्रम में व्यस्त था तभी यहाँ पर राजकुमारी आ जाती है। अपने पिता को ऐसे हिलते हुए देखकर राजकुमारी उनसे इसके बारे में पूछती है। तब राजा उससे कहता है, मैं अपनी कमर को सीधी कर रहा हूँ। लेकिन राजकुमारी सब कुछ जान रही थी कि राजा अपनी बीवी के साथ क्या कर रहे थे। कुछ देर के बाद राजकुमारी अपने मरी हुई माँ की फोटो के पास जाती है और वो उनसे बातें करते हुए ये कहती है, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए मैंने घर से भागने का फैसला किया है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है सिपाही यहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे राजा के सामने पेश करते हैं। राजकुमारी को जब राजा के पास लेकर जाया जाता है तब राजा उसके पढ़ाई के जुनून को देखकर उसे स्कूल जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन वो राजकुमारी को एक खास तरह की चड्डी पहनाता है जिसमें कई लॉक लगे हुए थे, ताकि कोई भी आदमी जब राजकुमारी के साथ घपाघप करने के लिए अपने हथियार को इस्तेमाल करेगा तब ये चड्डी में लगे हुए ब्लेड्स उस आदमी के हथियार को काट देंगे। अगले ही दिन राजकुमारी को लड़कों का ड्रेस पहनाकर लड़कों के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि उस सदी में सिर्फ लड़कों को ही पढ़ने की इजाजत थी। स्कूल में राजकुमारी की मुलाकात चैंग से होती है जो कि अभी अभी हाथ से हिलाने वाली प्रतियोगिता को जीतकर आया था। रात को राजकुमारी और चैंग एक ही कमरे में सोते हैं। देर रात को जब चैंग की नींद खुलती है तब उसकी नज़र राजकुमारी पर पड़ती है। जब वो करीब से चैंग को सोता हुआ देखता है तब उसे ये बात समझ में आ जाती है कि ये लड़का नहीं लड़की है। राजकुमारी को ऐसा सोता हुआ देखकर चैंग उसके साथ इंटीमेट होने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो राजकुमारी के गुफा में लगे हुए ताले को देखता है इस भयानक कटर को देखकर वो बहुत डर जाता है। इसके बाद चैंग एक गाजर को लेकर उस कटर में डालता है। ये सब देखकर वो राजकुमारी के करीब जाने का ख्याल छोड़ देता है और वो गाजर की ये हालत देखकर बहुत डर जाता है। इस गाजर की इतनी बुरी हालत देखकर वो उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पांव उसी गाजर के ऊपर आ जाता है। वो राजकुमारी के लगे हुए हथियार पर जाकर गिरता है जिससे उसका अपना हथियार कट जाता है। राजकुमारी उसके हथियार का मरम्मत करवाने के लिए एक वैद्य के पास जाती है। ये हकीम हथियार जोड़ने में काफी माहिर होता है। वो अपना नया आविष्कार किया हुआ हथियार को इस पर लगा देता है। साथ ही साथ वो चैंग को ये बताता है, ये वाला हथियार तुम्हारे वाले से कई बेहतर है। हकीम जब इन लोगों से बातें कर रहा होता है तभी एक नकाबपोश लड़की यहाँ आती है। वो हकीम से कहती है, अगर तुम मेरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना दोगी तब मैं तुम्हें बहुत सारे मजे दूंगी। कुछ ही देर के बाद जब हकीम उसके चेहरे को अच्छे से संवार देता है तब वो लड़की अपने वादे के मुताबिक हकीम को मजे देती है। जैसा कि इस लड़की ने वादा किया था वो हकीम के साथ घपाघप करती है। इस खूबसूरत लड़की का नाम सुथा। तभी राजकुमारी के पास एक घोड़सवार आता है।
वो राजकुमारी से सू के बारे में पूछता है। राजकुमारी इस आदमी को बताती है वो लड़की हकीम के पास है। ये सुनते ही वो आदमी जिसका नाम जेन था वो राजकुमारी के साथ अंदर आता है। यहाँ आकर ये लोग देखते हैं सू और हकीम घपाघप करके यहाँ से जा चुके थे। जेन यहाँ आकर इन लोगों को ये बताता है सू कोई लड़की नहीं है बल्कि वो जिस्म की प्यासी एक चुड़ैल है जो कि आदमियों के साथ पहले इंटीमेट होती है और इसके बाद उन्हें मार देती है। इस चुड़ैल को मारने का काम मुझे दिया गया है। अगर तुम दोनों को वो फिर से दिखाई देती है तब तुम लोग मुझे जल्दी से बता देना। कुछ दिन के बाद जब चैंग ठीक हो जाता है तब राजकुमारी उसे लेकर अपने घर में आती है क्योंकि आज राजकुमारी के भाई की शादी थी। राजकुमार की शादी पूरे रीति रिवाज से की जाती है लेकिन रात में जब कमजोर राजकुमार अपनी बीवी के पास जाने वाला था तब वो ये जानकर बहुत खुश होता है। वो सोचता है आज वो बहुत मजे करने वाला है लेकिन उससे कुछ खास नहीं हो पाता है। राजा जब राजकुमार की नाकामी देखता है तब ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में वो राजकुमार को कमरे से निकालकर खुद ही अंदर चला जाता है। इसके बाद वो अपने बहू के साथ भयंकर घपाघप करता है और अब राजा हमेशा उसके साथ टपाटप किया करता था। एक दिन एक शैतान राजा की बीवी के साथ जबरदस्ती करके उसे जान से मार देता है। अगले दिन राजा अपनी बीवी की ये हालत देखकर समझ जाता है कि ये काम किसका है। राजा की एक बीवी को उसके बहू पर ही शक हो जाता है। वो इसके बारे में राजकुमारी और चैंग को बताती है। इसके बाद वह शैतान तूफान के साथ भी जबरदस्ती करके उसे मार देता है। साथ ही साथ वह राजा की कई सारी रानियों को भी मारता है। ये खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। सभी लोग ऐसी बातें करने लगते हैं एक शैतान राजा के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। जैसे ही ये खबर जैन को मिलती है वो फौरन राजा के पास आता है। वो यहाँ आकर राजा को ये बता देता है वो शैतान कोई और नहीं तुम्हारी अपनी बहू है जिसके साथ तुम रोज घपाघप करते हो। राजा जैन की बातों को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने बहू के खूबसूरती पर बहुत पागल हो चुका था इसलिए वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता है। वो अपने खूबसूरती का जादू फिर से चलाती है और अपने मगरमच्छ वाले आंसू को दिखाकर वो राजा को अपने तरफ कर लेती है। वो राजा के गले से लगकर ये कहती है मुझे तो ऐसा लगता है जैसे यही आदमी शैतान है। जैसे ही रात होती है राजा अपने कुछ आदमियों के साथ जैन को मारने के लिए पहुंच जाता है। इससे पहले कि राजकुमारी राजा को रोक पाती राजा जैन के गले में जहरीला तीर मार देता है। उस तीर के लगने के साथ ही जैन कभी भी मर सकता था लेकिन उसे बचाने का बस एक तरीका था अगर राजकुमारी उसके साथ इंटीमेट होती है तब जैन की जान बच जाएगी। इसलिए राजकुमारी जैन की जान बचाने के लिए ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक तलवार से अपने गुफा के ताले को तोड़ती है और इसके बाद वो जैन के साथ मैच खेल लेती है। ऐसा करते हुए वो जैन की जान बचा लेती है। जब चैंग को इस बात की खबर मिलती है कि राजकुमारी जैन को बचाने के लिए उसके साथ इंटीमेट हुई है तब उसे यह जानकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि चैंग राजकुमारी को पसंद करता था। वहीं इधर दूसरी तरफ राजा अपनी खूबसूरत बहू के पास आता है और वो उसे ये खुशखबरी देता है कि उसने जैन को मार दिया है। ये बात जानकर वो चुड़ैल बहुत खुश होती है लेकिन अब मरने की बारी राजा की थी। इसके बाद वो चुड़ैल राजा को पानी में डुबाकर उसे भी जान से मार देती है। इसके बाद जैन उस चुड़ैल को मारने के लिए प्लान बनाता है। एक दिन जब चैंग राजकुमारी के कमरे में अकेला होता है तब वो चुड़ैल चैंग के पास आती है और वो उसे अपने साथ इंटीमेट होने का ऑफर देती है। उस चुड़ैल की खूबसूरती को देखकर चैंग से भी रहा नहीं जाता है और चैंग भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जल्द ही चैंग को यह पता चल जाता है कि वो बजा नहीं रहा बल्कि खुद ही बज रहा है। ये जानकर वो जल्दी ही यहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के बाद जब जैन उस चुड़ैल को मारने के लिए यहाँ आता है तब वो चुड़ैल चैंग का रूप लेकर जैन को ही मार देती है। इसके बाद राजकुमारी को एक किताब से ये पता चलता है जब भी कोई आदमी उस चुड़ैल के नीचे लेटकर उसके साथ इंटीमेट हो रहा होगा उस वक्त उस चुड़ैल के नाभि में छुरा मारकर उसे खत्म किया जा सकता है। अब राजकुमारी के पास कोई भी रास्ता नहीं था इसलिए वो खुद ही उस चुड़ैल के साथ इंटीमेट होने का सोचती है। जैसा कि राजकुमारी ने प्लान किया था वो उस चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। वो चुड़ैल भी जब राजकुमारी के जिस्म को देखती है तब वो चुड़ैल भी उसके तरफ मोहित हो जाती है। इसके बाद वो चुड़ैल एक मर्द का रूप लेती है और वो राजकुमारी के साथ मजे करने में लग जाती है। इन दोनों का घपाघप कार्यक्रम काफी लंबा चलता है। जब चुड़ैल राजकुमारी के साथ इंटीमेट होने में मग्न होती है तभी चैंग जैन का खास तलवार लेकर उस चुड़ैल के नाभि में मार देता है जिसके बाद उस चुड़ैल की वहीं पर मौत हो जाती है। कहानी के आखिर में हम लोग राजकुमारी को देखते हैं जो कि अपने पिता और भाई साथ ही साथ वो अपने बहुत सारी सौतेली माओं को याद करती है और उन सभी को याद करके वो उनके लिए प्रार्थना करती है। राजकुमारी को अब एक साथी मिल चुका था। इसके बाद राजकुमारी चैंग से शादी कर लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।